नमस्कार, मेरा नाम बिंदु सिंह है और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पारत के संस्कार। अगर हम बात करें पारत के संस्कार की तो वो यूजी और पीजी दोनों लेवल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यूजी पे तो लॉन्ग और शॉर्ट आंसर दोनों ही बनते हैं पारत संस्कार पे। हम बात करें कि पारत के संस्कार कुल कितने होते हैं, उनकी आवश्यकता संस्कार करने की क्यों पड़ी और क्या सीक्वेंस है संस्कार के, आइए डिस्कस करते हैं। तो पारत के कुल 18 संस्कार होते हैं, कुछ विद्वान 19 संस्कार मानते हैं, जिसमें 19वां संस्कार जो है वो है अनुवासन संस्कार, जिसे आयुर्वेद प्रकाश ने माना है। और कुछ विद्वान 8 संस्कार मानते हैं। आवश्यकता के लिए आचार्य चरक ने एक श्लोक दिया है, संस्कारों ही गुणांतर धानम उच्यते, मतलब संस्कार करने से ही गुणों में आधान होता है या गुणों में बढ़ोतरी होती है, इसीलिए हमें संस्कार की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करेंगे कि संस्कार जो हैं उनकी सीक्वेंस क्या है, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा श्लोक है जो रस हृदय तरंगिणी ने लिखा हुआ है, श्लोक में पढ़ के सुना देती हूँ, उससे आपको सीक्वेंस याद हो जाएगी। स्वेदन मर्दन मूर्छनो उत्थापन पातन निरोध नियामश्च दीपन, ये दीपन तक 8 संस्कार हो जाते हैं। उसके बाद गगन ग्रास प्रमाण मथ जारण विधानम च गर्भदुति वायदुति जारण रसराग सारणम छेव क्रामण वेधो भक्षणम अष्टादश धेति रसकर्म। ये कुल 18 संस्कार हैं और 19वां मैं बता चुकी हूँ आयुर्वेद प्रकाश ने माना है। अब बात करें पारत के अष्टविधि संस्कार की, तो अष्टविधि संस्कार करने से पारत में देह सिद्धि और मतलब देहवाद और धातुवाद दोनों के लिए समान रूप से ये पारत उपयोगी हो जाता है अष्टविधि के बाद, और पारत के विभिन्न औषधीय गुणों की प्राप्ति के लिए ये 8 संस्कार बहुत ही उपयोगी हैं और इसीलिए पारत के अष्टविधि संस्कार की इतनी मान्यता है। अगर हम बात करें पारत के 18 संस्कार की, तो कुछ लोग श्लोक से याद कर लेते हैं संस्कार, लेकिन कुछ लोगों को संस्कार याद नहीं रहते, तो हम यहाँ पे बात करेंगे पारत के 18 संस्कार की ट्रिक की। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि टोटल 18 संस्कार के नाम क्या हैं। तो ये हैं स्वेदन मर्दन मूर्छन उत्थापन पातन रोधन नियामन दीपन ग्रासमान चारण गर्भदुति वायदुति जारणा रंजन क्रामण सारण क्रामण वेद और भक्षण, ये टोटल 18 संस्कार हैं। तो हमें बेसिकली याद कितने करने हैं, दीपन तक याद करने हैं। तो दीपन तक के लिए हम ट्रिक पढ़ते हैं कि हमारी पहली ट्रिक है SM की मूर्छा से उत्थापन करके PR को नियमित दीपन करना चाहिए। SM किसी का नाम हो सकता है, हमारे जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चों का नाम होता है, तो SM, S for स्वेदन, M for मर्दन, इनकी मूर्छा मतलब ये ना बेहोश हो गए, तो इनकी मूर्छा से इनको उठाने के लिए PR को क्या करना, PR क्या है, हमारा पल्स है और एस्पिरेशन है, इन दोनों को नियमित दीपन करना चाहिए। दीपन का मतलब जगाना, कहते हैं ना हमारे दीपन पाचन वाले जो दीपन है, वैसे ही दीपन करना चाहिए। तो ये हमारे 8 संस्कार की ट्रिक हो गई, लेकिन कभी कभी 18 संस्कार पूरे पूछ लिए जाते हैं, तो हम आगे के बाकी संस्कारों की ट्रिक और देख लेते हैं। तो वो ये है कि GC के गर्भ से, हमारा GC का गर्भ है, उससे VJ का रंजन और SK का वध और भंक्षण करना चाहिए। तो उसको रिलेट कर लेते हैं, GC मतलब ग्रासमान चारणा गर्भदुति गर्भ से वायुदुति और जारणा का VJ और रंजन मीन्स रंजन और सारण और क्रामण के लिए SK का, मतलब गर्भ से VC के गर्भ से VJ निकला है तो उसको रंजित कर दो, और जो बुरा अच्छा वाला जो है VJ उसका रंजन कर दो, और बुरा वाला जो SK है उसका वध कर दो और उसका भक्षण, मतलब जैसा हमारे रामायण में महाभारत में ये हमने वर्ड बहुत सुना होगा, वध और भक्षण कर देना चाहिए। तो ये है हमारे पारत के। तो आई होप सो आपको पारत का इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ में आया होगा, और जिनको श्लोक से पारत के जो 18 संस्कार है वो समझ नहीं आए हो, वो हमारे जो मैंने ट्रिक दी है उसके थ्रू समझ सकते हैं। और बाकी फर्दर संस्कारों को पढ़ने के लिए और बाकी किसी भी क्लासेस के लिए आप हमसे हमारे फेसबुक पेज आयुर्वेदा वर्ल्ड से जाकर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।